अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब भी जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब भी ठीक हैं, ग्रेट, वेरी गुड जी। जनाब फ्रेश फ्रेश तैयार है क्लास लेने के लिए जी। तो आज हम किस क्लास में मौजूद हैं? इंग्लिश की क्लास में। और आज क्या काम होगा जनाब? आज भी हम अपनी बुक में, अपनी जो हमने फ्रेंडशिप की है जिससे, हम उसमें काम करेंगे। लास्ट क्लास का काम सबका कंप्लीट हो चुका है? वेरी गुड। मुझे पता है आप सब बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं और बहुत जीनियस बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तो सब ने अपना काम जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लिया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जिस पेज पे काम कंप्लीट करेंगे अपना, वो है हमारी बुक का पेज नंबर फोर। बुक ओपन करके सामने रखिए, हम साथ साथ बात करेंगे और फिर आप काम मुकम्मल करेंगे, ठीक है? तो पेज नंबर फोर पे क्या चीज है जनाब? सबसे पहले क्या करना होता है, कौन बताएगा भाई? जब हम काम बुक पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जी अभी याद नहीं आ रहा? याद है, सब किसी को याद है? यस वेरी गुड। यहाँ हम देख रहे हैं कि पेज के एक साइड पे यहाँ पे एक लाइन दी गई है और यहाँ लिखा है डेट। गुड, तो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे यानी तारीख लिख देंगे। फिर हम देखेंगे आइकन्स कितने हैं हमारे पेज पे। तो यहाँ पेज पे हमारे पास 1 2 3, वी हैव 3 आइकन्स ऑन दिस पेज। इट मीन्स वी हैव टू डू 3 वर्क ऑन दिस पेज। कौन कौन से हैं? ट्रेस, राइट, कलर। गुड, तो पहला काम हम करेंगे ट्रेसिंग का। अच्छा जरा मुझे ट्रेसिंग से पहले ये तो बताइए, क्या है ये? कैट, यस दिस इज अ कैट। This is a cat. And what is the beginning sound of cat? जरा सुनिए, cat. इसकी beginning sound, शुरू की आवाज क्या आ रही है? ख। Very good भाई, बहुत ही माशाल्लाह स्मार्ट बच्चे हैं। ख cat, ख cat, ख cat. और क्या हमारे पेज पे ख मौजूद है? है? Yes, here it is. ख ख, ख, ख तो है यहाँ पे। अच्छा, ख इज द साउंड और इसके साथ क्या है? इसका नेम भी मौजूद है। ख इज द साउंड, सी इज द नेम, क्योंकि आवाज और नाम साथ साथ रहता है ना। ख इज द साउंड, सी इज द नेम। चलिए अब हम ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? मजेदार सी राइम पढ़ते हैं। हम राइम पढ़ेंगे और ट्रेसिंग कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम ट्रेसिंग करते हैं जी। कैसे होगी भाई ट्रेसिंग? जी हाँ, आप पेंसिल की मदद से, कलर की मदद से ख में ट्रेसिंग करेंगे राइम पढ़ते हुए। एरो बने हुए हैं, इसको फॉलो भी करते जाएंगे। राइम पढ़े मेरे साथ, क्या राइम थी? जी हाँ, राइट टू लेफ्ट, मेक इट राउंड, टच द लाइन, स्टॉप अबव द ग्राउंड। वेरी गुड, ठीक है। ये राइम पढ़ते पढ़ते आप ख ट्रेस करेंगे और फिर एरोस की मदद से इसके नाम यानी सी को भी ट्रेस करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे पेज पे जगह दी गई है, यहाँ पे कुछ डॉटेड ख भी मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे? इन डॉटेड ख को भी ट्रेस करेंगे, ठीक है? उसके बाद बारी आएगी राइटिंग के काम की, क्योंकि दूसरा आइकन राइटिंग का है। राइटिंग के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जगह दी गई है जहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, शुरू का नुक्ता दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है। हम इस पॉइंट पे अपनी पेंसिल रखेंगे और राइम पढ़ते पढ़ते हम आसानी से ख ट्रेस राइट करेंगे, ठीक है? ट्रेसिंग तो हम कर चुके हैं, ख की राइटिंग करेंगे और उसके साथ साथ हम इसके नाम की भी राइटिंग कंप्लीट करेंगे, यानी सी की भी राइटिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और फिर एक काम और बाकी है। वो तो मजेदार सा काम है, कलर। यस, तो अब क्या होगा जनाब? जब आप ट्रेसिंग और राइटिंग का काम मुकम्मल कर लेंगे
फिर आप कैट में कलर करेंगे जी, अच्छा सा कलर करेंगे। और कलर कैसे होगा जनाब? जी हाँ, कलर हम करेंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे कि हमारा कलर जो है वो पिक्चर से बाहर ना जाए। तो चलिए जनाब, आप इस पेज को, इस वीडियो को दोबारा सुनिए और इस पेज पे हमने जितना काम किया है उसको रिपीट कीजिए और साथ साथ इस पेज की वर्किंग भी जल्दी से मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।